आपके जीवन को मैं परमेश्वर के वचन से प्लावित कर देने का मौका पाना चाहती हूँ। हम प्रभाव की बातें कर रहे हैं, प्रभाव की शक्ति, और मैं कहना चाहूंगी कि जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव आप स्वयं हैं। देखिए, हमारे चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारा हर चुनाव न केवल हमें प्रभावित करता है वरन किसी और को भी करता है। हम धरती पर परमेश्वर के भेजे प्रतिनिधि हैं, सो उसके सुनाम पर आखिर आपका प्रभाव किस प्रकार का है। तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखता हूं, जीवन चुन लो कि तुम और तुम्हारा वंश जी सके। देखिए, मेरा हर चुनाव और आपका हर चुनाव हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक है आपका प्रभाव। शैतान शायद आपको विश्वास दिलाए कि कोई आपकी परवाह नहीं करता और आप प्रभावशाली नहीं है। ये न सोचे कि आपकी कोई हसीन सेवकाई नहीं है और टीवी के लाइट्स आप पर चमक नहीं रहे हैं, इसलिए आप प्रभावशाली व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप बहुत ही प्रभावशाली हैं। ये संभव है कि आप शायद जीवन में एक ही व्यक्ति को प्रभावित करें, मगर क्या हो यदि आप उस एक व्यक्ति को पूर्ण सकारात्मक रीति से प्रभावित करें और वो 10 लोगों को प्रभावित करे। बिली ग्राहम के रविवार स्कूल टीचर की बात सोची, जिसने उसे प्रभु को सौंपा, कितना गहरा प्रभाव था। आमीन। ये कभी ने कही कि मैं सिर्फ माँ हूं, सिर्फ घर की रखवाली करती हूं। यदि आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं या फिर 3 हो या 4 हो, उनके जीवन पर आपका कैसा प्रभाव पड़ सकता है जरा सोचिए, और उनमें से एक को प्रभु जाने कैसे बदल दे। आप प्रभावशाली हैं। स्पष्ट प्रयास के बिना फल की सृष्टि करने की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। अन्य शब्दों में ये वो है जो लोगों को होता है, हमारे आसपास या साथ रहने से होता है। उन्हें प्रभावित करने की या न करने की कोशिश बिना की जाए, चूंकि वे साथ हैं और हम अपना काम करते हुए हमारी क्रिया से प्रभावित हो जाते हैं। क्या आप जानते कि यदि आप समय पर बिल नहीं चुकाते तो इससे आपके बच्चे प्रभावित होंगे और वे भी शायद बड़े होकर समय पर बिल नहीं चुकाएंगे। यदि बिल के पैसे वसूलने वाले आपके घर पर बार बार आते हैं तो शायद बड़े होने पर उनके पैसे वसूलने वाले भी उनके घर पर आएंगे, क्योंकि पैसे खर्च करने की व्यवस्था आपको देखकर ही सीखते हैं वे। डेव सदा पैसों के साथ चौकस रहे और सदा सहनशील रहे, जो चाहिए उसे बचाने के लिए। उन्हें क्रेडिट कार्ड कभी भाते नहीं थे और न ही कभी किस्त में खरीदना। इसका ये अर्थ नहीं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि और स्त्रियों की तरह मेरा थोड़ा सा प्रभाव था, मैं उन्हें समझा लेती क्योंकि मैं सहनशील नहीं थी। जब डेव छोटी उम्र के थे, 14-15-16 साल के, तो वे मेहनत करते, बहुत ही मेहनत करके पैसे बचाते और घर पर मोजों में डालकर ड्रॉयर में रख देते। सो हम सदा डेव से कहते कि उनके मोजे अब भी सेवकाई में हैं, और उनके सहनशील होने के कारण और बुद्धिमानी से पैसों को संभालने के सामर्थ्य के कारण हमारी सेवकाई को एक पैसा भी ब्याज की नहीं लगी। पिछले 20 साल से हमारी सेवकाई चल रही है, इस दौरान हमने कभी भी एक पैसा ब्याज में नहीं दिया, एक भी नहीं। आपको पता है आपके कितने रुपए सीधे सेवकाई के काम में लगे, क्योंकि हमें कहीं भी ब्याज नहीं देना पड़ा। मेरा उद्देश्य किसी और सेवकाई को नीचा दिखाना नहीं है जिन्हें उधार लेना पड़ गया था, मगर मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि इस क्षेत्र में उनका एक दान था, अपूर्व सामर्थ्य। मुझे तो याद नहीं आता कि उन्होंने कभी बच्चों को पैसों की व्यवस्था सिखाई। मुझे तो याद नहीं आता कि वे कभी बैठे और बोले कि ठीक है, आज पैसों की व्यवस्था पर हमारी संगोष्ठी होगी। मगर हमारे चारों बड़े बच्चे पैसे बड़ी खूबी से संभालते हैं, वे समय पर बिल चुकाते हैं, वे इधर उधर घूमते नहीं किसी और से उधार लेने की कोशिश में। दशमांश और देने के बारे में उनकी भावनाएं सबल हैं और पैसों के साथ वे संभाल कर चलते हैं, और इसका श्रेय वे डेव को ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने डेव को पैसों को संभालते हुए देखा था। आप मेरा तात्पर्य समझ रहे हैं? बात उतनी हमारे प्रचार की नहीं, ना हमारे कहने की, जितनी हमारे करने की है। देखिए, मेरी माँ के कपड़े पहनने के तरीके साफ सुथरे हुआ करते थे, और इसी कारण मैं भी सदा ऐसी ही रही। मेरी माँ हर सवेरे उठती, केश संवारती, मेकअप करती और साफ सुथरे कपड़े पहन लेती थी उस दिन, चाहे वो घर साफ करने में भले ही लग जाती, यही उसका क्रम था। लेकिन मैंने कभी ऐसी योजना नहीं बनाई, ऐसी कोई निशानी नहीं जो मुझसे कहे उठो और कपड़े बदलो। मैं बस खुद उठकर करती हूँ। मैं ये भी कहने का साहस करूंगी कि अपने संपूर्ण जीवन में मैं बीमार ना पड़ी तो जहां तक मुझे याद है शायद 1 या 2 दिन मैंने पजामे में बिताए होंगे, न मैंने मेकअप लगाया और न केश सवारे। ऐसा करने वाली किसी को मैं नीचा दिखाना नहीं चाहती, ये बिल्कुल मेरा विषय नहीं।
मेरा कहना केवल इतना है कि मैंने अपनी माँ का अनुकरण किया और कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये स्वभाव मुझे उसी से मिला है। आपके बच्चे कई बातों में आपकी देखा देखी आप ही का अनुसरण करेंगे और आपने जो बातें उन्हें सिखाई उन पर जब वे चलने लगेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी ओर मेरे जीवन पर मेरे पिताजी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे बहुत ही ज्यादा गुस्सेल थे, नियंत्रित करते, हेरा फेरी, और उनकी ना चलती तो वे बिगड़ जाते। मेरा स्वभाव भी वैसा ही बन गया और प्रभु को मुझ में कार्य करना पड़ा मुझे मुक्त करने के लिए। लोगों पर हमारा इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि जिसकी कल्पना भी करना हमारे लिए कठिन है। क्या कोई कहेगा आमीन? जिस बात का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो है हमारे शब्द, मनोदशाएं, हमारी क्रियाएं, हमारा व्यवहार और हमारे चुनाव। हमारा प्रत्येक चुनाव, मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारी प्रत्येक मनोदशा। कठिन स्थिति में शांत रहकर आप बच्चों को कठिन स्थिति में शांत रहना सिखा सकते हैं, मगर यदि वे कठिन स्थितियों में आपको बिगड़ते हुए देखें तो जब कभी बिगड़ी स्थिति सामने आएगी तो वे भी बिगड़ने लगेंगे। आमीन। देखिए, आपका जीवन एक संदेश है। काश कि ईश्वर का वचन होता, मगर ये कोई कोरा कागज। एक तरीका जिससे हम संसार में सबसे अधिक प्रभाव की सृष्टि कर सकते हैं, मैं चाहती हूं कि आप ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले सुनाया था लेकिन सुनाऊंगी। एक तरीका जिससे हम संसार में सबसे अधिक प्रभाव की सृष्टि कर सकते हैं यह कि हम दाता बन जाएं, हम देने वाले बन जाएं। देने का अर्थ चर्च में एक चढ़ावे से भी कहीं अधिक गहरा है। ये एक जीवन शैली की बात है। आप वो व्यक्ति ना बने जो इस ताक में घूमता रहता है कि कहीं कोई उसे कुछ दे या कुछ मुफ्त में मिल जाए, मगर जोश के साथ। सब लोग कहिए जोश के साथ, कहिए जोश के साथ, कहिए जानबूझकर, कहिए जानबूझकर, कहिए जोश के साथ, कहिए जानबूझकर। जोश के साथ और जानबूझकर हर दिन उठकर हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि हमें आशीष बनने के मार्ग बताए, और फिर हमें अपने छोटे से संसार से बाहर निकलकर कान खोलकर सुनना चाहिए। आप यदि किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सके, यदि आप चाहें तो किसी औरों के लिए प्रार्थना ना करें। आपको बात अच्छी लगी इसलिए मैं दोहराती हूं। मैंने इसे एक बार सुना और मैंने कहा हाँ, हम सदा प्रार्थना करते कि हम किसी की जरूरत पूरी कर सकें जब हम खुद ही उसे कर सकते हैं, मगर त्याग करने को हमारा मन नहीं करता, तो हम प्रार्थना करते कि कोई और उसे पूरी करे। यदि आपके पास साधन पर्याप्त ना हो कि आप खुद ही कर सकें तो जरा रचनात्मक हो जाइए, अपने 10 असुखी मसीह दोस्तों को बुला लीजिए और लंच पर जाकर एक घंटा अपने पास जो नहीं है उस पर गप्पे हाँकने की बजाय साथ मिलकर हिसाब लगाइए कि इस जरूरत को आप मिलकर कैसे पूरा कर सकते हैं। आज मैं अच्छा प्रचार करी और मैं अपने आप को सुखी बनाऊंगी। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आपकी जीवन शैली को देखकर। आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, आपकी क्रिया प्रवचन बन जाएगी। एक ने कहा प्रचार सदा किया करो, शब्दों का प्रयोग जरूरत हो तो ही करो। एक महिला जो मेरे यहां काम करती है, जब उससे पहली बार मैं मिली, शायद कोई 10 साल पहले की बात है, मैं उसकी दुकान पर गई वेशभूषा के लिए। उसकी कुर्सी पर बैठी, मुझे पता नहीं था कि वो घबराई हुई थी क्योंकि मैं प्रचारिका थी और उसकी जीवन शैली बुरी थी। उससे मेरा बर्ताव अच्छा रहा, मैं उससे अच्छी तरह पेश आई। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, उसकी निंदा नहीं की, जुआ खेलना उसका पेशा था, उसकी निंदा नहीं की। अपनी आत्मिकता से उसे दोषानुभव मैंने करने ना दिया। मैं अवसर की बात जोती रही जब परमेश्वर द्वार खोले और मैं उससे बातें कर सकूं। एक दिन मैंने कहा कि एक सवाल पूछती हूं डेबरा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना तुम्हें सही लगता है बिना शादी के? नहीं जानती हूं कि ये गलत है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया, मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं, तुम खुद जानती हो। जब तुम तैयार हो जाओ इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जीवन शानदार हो जाएगा। सोचो तुम्हारी क्रियाओं का तुम्हारे बेटे पर क्या असर पड़ रहा है। मेरा बर्ताव उससे बहुत अच्छा रहा। मैंने उसे अपना एक कोट ला दिया जिसकी उसने प्रशंसा की।
मैं उसे अच्छी टिप्स देती थी, कभी कभार एक गिफ्ट सर्टिफिकेट भी बाहर खाने के लिए, और हर मदद के लिए तैयार। देखिए, 2 साल के करीब लगे, कभी कभी कुछ समय की पूंजी आपको लगानी होती है। 2 साल के करीब बीत चुके। उसे एक संगोष्ठी में मैंने बुलाया। वो आकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ऐसा समा उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं वापस गई तो सवालों की झड़ी लग गई। बाप रे, ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। अद्भुत था, पता नहीं वो क्या था, मुझे तो ऐसा लगा जरा गर्मी सी। बाप रे, मारे डर के मेरी तो हवा ही बिगड़ गई। सो मुझे उससे बातें करने का मौका मिल गया। धीरे धीरे परमेश्वर के अभिषेक और शक्ति के बारे में धीरे धीरे मैं उसे बताती रही। यदि मैं उसकी दुकान में जाते ही उसे शुभ संदेश सुनाकर उससे कहती कि उसका जीवन गलत रास्ते पर था और उसे जीवन को सुधार देना चाहिए था, तो इससे जरा भी भला नहीं होता, वो पाप में ही जीती रहती। देखिए, हमें चाहिए कि हम वहां पहुंचे, समय की पूंजी लगाएं, अपने में रहें, लोगों को जो चाहिए उस पर अपनी दृष्टि करें, फिर उन्हें भूख लगे हमारे पास जो है उसके लिए। अब वो मेरे लिए काम करती है। मैंने उसकी शादी कराई। उसका बेटा हफ्ते में 3 बार अब चर्च जाता है। उस पर मेरा प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव बेटे पर पड़ा, परिवार के और लोगों पर और बहनों पर भी उसका प्रभाव बना रहा, और अब उसकी एक सहेली पर भी उसका प्रभाव पड़ा, जिसका जीवन भी उसके जैसा था जब हमारा पहला साक्षात हुआ था। बस सुसमाचार इसी तरह फैलता है। यहाँ से उतनी बात नहीं बनती जितनी इससे बनती है कि मैं आप में से केवल एक ही को प्रभावित कर पाऊँ, एक के बाद एक, और आप अपनी दुनिया में से निकल कर आगे बढ़ें और लोगों को प्रभावित करें। ये न सोचे कि आप ठीक हैं और सुरक्षित हैं क्योंकि आप हर रविवार को चर्च जाते हैं। मसीहत का इस बात के साथ थोड़ा सा ही संबंध है। मैं दिन भर गैराज में बैठी रहूं तो मैं कार तो नहीं बन जाऊंगी। बहुत से लोग हैं जो सप्ताह में 3 बार चर्च में बैठते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या वे अपने जीवन को फलवंत बनाते हैं या किसी और पर वे सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। वास्तव में इनमें से कुछ ऐसे होंगे जैसे कि मैं थी। सारी मैं कर्म किया करती थी। चर्च बोर्ड पर थी, देव बुजुर्ग थे, मसीहत कमेटी पर थे, दशमांश देते थे, चर्च में जब भी द्वार खुलता धार्मिक छुट्टियां मनाते, और मैं बता सकती हूँ कि मैं स्वर्ग जाने वाली थी मगर किसी को साथ नहीं ले जा रही थी, और डरावनी बात यह थी कि मैंने कुछ लोगों को छोड़ भी दिया होता। अपने संसार में आगे बढ़िए और दाता बनिए। जरूरतों को खोजिए, छोटी जरूरतें बड़ी जरूरतें इनके लिए त्याग कीजिए, और जहां तक हो सके आपसे जितना भी बन सके तुरही बजाए बिना कीजिए। इस तरह कीजिए कि लोगों को यूं न लगे कि वे आपके ऋणी हैं और आपको देना है। आमीन। ऐसा कभी ना करें कि किसी के लिए कुछ करके तुरंत 10 मिनट बाद कहें कि मेरे साथ चर्च चलो, क्योंकि इससे शायद आभार समाप्त हो जाए। आप उनसे कह सकते मगर कुछ समय के बाद, ताकि उन्हें यूं न लगे कि आप उन्हें खरीद लेना चाहते हैं। अब एक नई लड़की मेरे नाखून काटती है और मैं सुनती हूँ। मैंने लोगों से सुनना सीख लिया है और प्रश्न पूछना भी सीख लिया है। तुम कहाँ रहती हो, बच्चों के बारे में बताओ, और ये वो और वो। फिर कुछ और पता लगा कि उनकी रसोई में मेज नहीं और काफी बिस्तर भी नहीं है। पता लगा उनका चूल्हा भी टूटा पड़ा है। मैंने उससे ये नहीं कहा कि सुखी रहो, पूर्ण रहो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। इस बेवकूफी से मैं ऊब गई हूं। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी ब्रदर, ओ मैं प्रार्थना करूंगी, कुछ कीजिए। प्रार्थना का समय होता है, क्रियाशील होने का समय भी होता है। देखिए, मेरे पास थोड़ा सा और पैसा होता तो मैं आपकी मदद करती। नहीं, जो है उसी से आप मदद कीजिए। थोड़ा त्याग कीजिए और वो नया खिलौना ना खरीदिए जो आप खरीदने वाले थे शायद इसी मौसम के लिए। अपना बीज बोइए और देखिए परमेश्वर किस तरह आपकी कल्पना से भी परे बहुत आयत से आपको देता है। आमीन। आपके बच्चे और पड़ोसी जब आपको खुले दिल से देते देखेंगे तो उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। मुझे तुमसे प्यार है शब्द निरे खोखले, जब कोई क्रिया पुष्टि के लिए न हो, गलतियों 6:10 पर जाइए।
अपनी दुनिया में आपका प्रभाव किस प्रकार का है? क्या आप नमक और रोशनी हैं? आपके जीवन को देखकर क्या लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते के प्यासे हो रहे हैं? आप सोचते होंगे मैं यहां आशीष पाने के लिए आया था, चिल्लाना सुनने के लिए नहीं। आप समझ नहीं रहे कि कैसी आशीष इस समय मैं आपको दे रही हूं। आप नहीं जानते आपका जीवन कैसे बदल जाएगा यदि आप अपने आप पर से ध्यान हटा लें। गलतियों 6:10 मेरे लिए जीवन बदल देने वाला धर्मशास्त्र था। मैं सदा पढ़ा करती थी पद 9 को, हम भले काम करने में ही आओ ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और सचमुच मैं इस पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, यदि मैं छोड़ न दूं कटनी काटूंगी, यदि मैं छोड़ न दूं तो जो चाहूंगी पाऊंगी, यदि मैं छोड़ न दूं तो जो मैं चाहूंगी उसे पाऊंगी, और यहीं पर हमें ध्यान देना है, यदि मैं छोड़ न दूं तो मैं जो चाहूंगी पाऊंगी। मैंने यहां पर खास ध्यान नहीं दिया, भले काम करने में हियाव ना छोड़े। मैंने इस पर ध्यान दिया हियाव ना छोड़े, मगर मैंने काफी ध्यान इस पर नहीं दिया भले काम में। भले काम में हियाव ना छोड़े, भले काम में, क्योंकि ठीक समय पर कटनी काटेंगे यदि हम ढीले ना हो। जो बीज मैंने नहीं बोए उनकी कटनी मैं नहीं काट सकती। भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सो फिर इसका अर्थ है जो हम पद 9 में कह चुके उसके कारण हम पद 10 में जो कहने वाले उसे ही कहने जा रहे हैं। सो फिर जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, ना केवल उनके काम आए या लाभ पहुंचाए, परंतु उनकी आत्मिक भलाई और उन्नति के काम भी करें। अब इसे देखिए, स्मरण रहे कि आशीष बनना है, विशेषकर उनके लिए जो विश्वास के घराने के हैं, जो आपके साथ परमेश्वर के परिवार के हैं विश्वासी। तो स्मरण रहे इस बात का तात्पर्य है कि आपके आशीष बनने के मार्ग मन में सजग रहें। विश्वासियों के साथ आप शुरू कीजिए मगर वहीं न रुक जाइए। अन्य विश्वासी जिन्हें आप जानते हैं आपके परिवार के हैं, आमीन हालेलुया। एक दिन हमारा बेटा वोट देने के लिए चर्च गया और वहां पर एक बोर्ड में लिखा था कि वे खाली डब्बे जुटा रहे थे चर्च के लिए एक फव्वारा खरीदने के लिए। उसने मुझसे पूछा, एक फव्वारा उन्हें क्या हम खरीद दे सकते हैं? वे हमारे संप्रदाय के नहीं, वास्तव में ये वही है जहां से मैं निकाल दी गई थी। मेरी मनोदशा हो सकती थी कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। जानते मैंने क्या सोचा? मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे डब्बे इकट्ठे करके अपने ऑफिस के लिए फव्वारा खरीदना नहीं पड़ता। सो बढ़िया बात यह होगी कि मैं उस जरूरत की पूर्ति करूं, यह कह करके हे आपको एक पानी का फव्वारा खरीद देने में हमें बहुत खुशी होगी। सो अब हम उस संगठन के लिए आशीष बनने वाले हैं जिसने मुझे भाईचारे के बाएं पांव से ढकेल कर निकाल लिया था शराफत से, कहा जाए तो जैसे। तो दोस्तों, जरूरतमंदों को खोजो और मदद करो, अपनी बात भूल जाओ। हर दूसरे महीने किसी न किसी आकार में इस संदेश का मैं प्रचार किया करती हूं और मुंह बंद करने का मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कितने मेरे साथ सहमत है कि आप असुखी नहीं होंगे यदि आप अपने को मन से निकाल दें? क्या मैं सच बोल रही हूं? आप असुखी नहीं होंगे यदि आप अपने आप को मन से निकाल दें। यह नहीं हो सकता कि आप असुखी हो और ये पता लगाने की कोशिश करें कि किसी का जीवन कैसे उन्नत किया जा सकता है। प्रभु हमें अभिषिक्त क्यों करता है? हम अभिषेक की इतनी बातें करते हैं। अभिषेक परमेश्वर की शक्ति और आपके जीवन पर उसकी उपस्थिति है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उपस्थिति हमें इसलिए नहीं देता कि हम उत्तेजित हो जाएं, हमारे साथ अपनी सामर्थ्य उपस्थिति बांटने का एक कारण है। इसका उत्तर प्रेरितों 10:38 में मिलेगा। देखिए, परमेश्वर ने नासरत के यीशु का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, जो कि उस अभिषेक को लेकर भला करता घूमता फिरा। प्रतिदिन उठकर
यीशु को हम इन्हें करते हुए देखते हैं। आप जानते हैं कि मरने के बाद वो मरे हुओं में से जिलाया गया कि मृतकोत्थान से महिमा के प्रभु ने अपने चेलों को ढूंढ निकाला और उनके लिए नाश्ता बनाया। क्या आप जानते हैं यीशु ने मृत्यु से उठने वाले यीशु ने चेलों को ढूंढ निकाला और नाश्ता बनाया। कभी कभी डेव के कहने से मैं आप भी विचलित होती हूं। क्या मेरे लिए तुम कॉफी बना दोगी? मैं अपनी प्रार्थना कुर्सी में बैठी ही थी। अपनी बाइबल के साथ। और अब आपके लिए कॉफी बनाना होगा। मैं नहीं बना सकती, नौकरानी की हस्ती पर मुझे बाइबल पाठ करना है। जानकर हमें आत्मिकता की अनुभूति होती है। हम बाइबल खोलते हैं और उसमें पीली गुलाबी नीली लकीरें लगी हुई हैं और उसे देखकर हमें अपने आप पर कितना गर्व होता है। आपने अपनी बाइबल को एक रंगीन पुस्तक बना दिया, इसका यह अर्थ नहीं कि आप आत्मिक हैं। मेरे नाती पोते इस काम को कर सकते हैं। हाल में अपने कार्यक्रम में हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं सहभागी होने के लिए, और आप में से बहुतों ने विश्वास का वो कदम उठा और हमारे नए सहभागी हुए या वर्तमान सहभागिता को बढ़ा दिया। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि यह हम लोगों के लिए कितना महत्व रखता है कि आप जैसे महान लोग साथ हों और जीवन पर बुलावे में विश्वास रखते हों, जिन्हें प्रतीति है कि संसार में एक बदलाव लाने वालों के साथ उन्हें सम्मिलित होना चाहिए। आप वो विश्वास का कदम हर महीने उठाते हैं सहभागिता निभाते हुए और प्रार्थना करते हुए। धन्यवाद 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 संसार तक पहुंचने में हमारी मदद के लिए। प्रभु आशीष।